तो भाई ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर देना ठीक है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जब कोई बंदा अपना नस काट लेता है तो वो मर जाता है, हाँ ठीक है, लेकिन वहीं अगर किसी बंदे का हाथ कटा होता है तो वो मरता क्यों नहीं? सोचो और कमेंट करके बताओ क्या रीजन होगा, ठीक है। चलो आप करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। ये वीडियो सिर्फ काल्पनिक है, इस वीडियो में जो भी बात बोली गई है सिर्फ बकचोदी और मजाक करने के लिए बोली गई है। कृपया करें आप कानों में एयरफोन ठूस ले वरना मेरी उस ड्राइविंग और फूटने वाली है, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आ मेरी जान। सो गाइस, आज इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों से मेरी फूटी किस्मत के बारे में शेयर करने वाला हूँ। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं कल से। ना दोस्तों, मौसम बड़ा ही सुहाना था। कल की बात है, हम गए थे काटेदान की ओर आइसक्रीम लाने के लिए। तो वहाँ से जब हम आइसक्रीम लेते वो आ रहे थे, तो भाई आने टाइम में हमारे साथ क्या सीन हुआ पता है भाई? हमको ट्रैफिक चचा ने पकड़ लिया। ट्रैफिक पुलिस जो रहते हवलदार, वो लोग पकड़ लिए और पकड़े हम लोग को डाल दिए मतलब बंदर नहीं डाले, गाड़ी हमारा दबोच लिए। और भाई हमारा इतना बैड लग था पता, हम रिटर्न मार भी नहीं पाए। एकदम सामने आने के बाद हमको पता चला कि आगे वाला ट्रैफिक पुलिस वाला है और हमको दबोच लिया भाई। उधर हमको ना पैसा देके छोड़ना पड़ा, पता है करप्शन इसकी वजह से बढ़ता है, हम जैसे लोग की वजह से करप्शन बढ़ता है। पर क्या करें भाई, 500 के जगह 5,000 लग जाता था, तो इसी के लिए हम लोगों ने 500 किया। अच्छा सही है। खैर आगे अब सवाल करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग फॉलो करते हो तो आप लोग को पता होगा मैं इतने दिनों से मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए, ठीक है। तो पिछले 4 दिन से मैं कटिंग शॉप में जा रहा हूँ डेली कटिंग कराने के लिए, बट चारों दिन मेरे साथ नहीं हुआ। क्यों? पहला दिन कटिंग शॉप बंद था, दूसरा दिन कटिंग शॉप बंद था, तीसरा दिन कटिंग शॉप में कोई था ही नहीं। मतलब थे जो काम करते वो लोग थे, पर जिससे मैं कटवाता हूँ ना अपने बाल वो नहीं था। आज जब गया सब लोग थे, बट आज क्या हुआ पता, जो ट्रिमर रहता ना जो 0 साइज में करवाता हूँ, वो यार ट्रिमर खराब हो गया था उनका। भाई मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो गया ना, क्या बोलूँ। 3 दिन क्या, 3 दिन नहीं हुआ, 4 दिन में ऐसा, और बाल इतने बड़े हो गए ना भाई, गर्मी जब रात में सोता हूँ ना पूरा पसीने से लतपता जाता हूँ, इसलिए बहुत दिमाग खराब हो जाता है मेरा भाई। ये मेरा दूसरा सीन, अरे मतलब किस्मत ना कुत्ती किस्मत है हमारी। मैं ना वो बन चुका हूँ जैसे विराट कोहली हो गए ना, RCB के, लेकिन करते सब कुछ है मिलता कुछ नहीं है। सेम एज यूजल मेरा भी, मैं भी यूट्यूब में करता सब कुछ है बट मिलता कुछ नहीं है भाई। यूट्यूब का RCB बन चुका हूँ गाइस मैं। A few moments later. And guys, तीसरा चीज ये है कि जो मेरा गेमिंग चलना था ना वो अनफॉर्चुनेटली डेड हो चुका है। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ, वो चैनल मेरा ना डेड हो गया है। पता नहीं उसको कौन सा आत्मा पकड़ लिया कि व्यूज आ ही नहीं रहे। मैं कितने भाई ऑलमोस्ट 4 महीने से वीडियो डाल रहा हूँ उसमें कंटिन्यू, एक भी दिन बिना गैप दिए। नवंबर से पहले अच्छा चल रहा था, नवंबर के बाद से पता नहीं उसको कौन सा पानी पकड़ लिया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अभी अप्रैल चल रहा है। 5 महीने होने को आ गए यार, इसमें कुछ ग्रोथ नहीं है भाई। मैं यहाँ पर उसका मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देता हूँ, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो, देखो यार उसके भी वीडियोस को। इसमें 2000 सब्सक्राइबर लेके बैठा हूँ यार, बट व्यूज़ नहीं आते हैं। 2000 वेट लेके बैठा हूँ, 20 भी ढंग से नहीं आता पता है, ऐसा हो गया है भाई। सब आप लोग के ऊपर कुछ थोड़ा उसको भी कराओ यार, मेरा किस्मत ही ऐसा हो गया है पता है कि कुछ चल ही नहीं रहा है। मैं जो करता हूँ वो फील्ड एकदम ख़राब हो जाता है, या उसको कुछ ना कुछ ये हो जाता है वो हो जाता है। यार क्या करूँ भाई, अब एग्जाम्स आने वाले हैं अभी, मतलब ये जो ब्लॉग चल थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, फिर एग्जाम्स आएंगे, फिर उसमें ब्लॉग छूट जाएगा, फिर वो भी बिगड़ा जाएगा। ऐसा ही किस्मत चलता रहा तो भाई हम रोड पे आ जाएंगे भाई। अभी तो छत पे हैं, छत से फिर घर पे जाएंगे, घर से फिर उतरेंगे नीचे, फिर उसके बाद रोड पे आ जाएंगे। ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है। ऐसे चलते रहा तो किस्मत हमारा हो गया भाई कांड। एंड भाई सबको हटा के मद्देनजर रखते हुए कल हमारा चेन्नई सुपर किंग्स भी जीता भाई, कोलकाता से वापस से अगेन। बट क्या बोलते हैं, हमारा प्लेस का तो कोई डिफर नहीं पड़ा, बट पॉइंट टेबल में 6 पॉइंट आ गए हमारे पास। और भाई हम क्वालिफाई होने वाले हैं कि नहीं होने वाले कमेंट करके बता दो। खैर भाई वो बोले गए कुछ बचा नहीं, मुझे पता चल गया मेरा किस्मत कैसी है। अब मैं यूट्यूब में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो भी कुछ नहीं पता, बट हम ट्राई करते रहेंगे। और भी मेरे पास अभी और 1.5 से 2 साल अभी है धूम मचाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको बकचोदी वगैरह करना है तो कमेंट करके बताओ, तो बकचोदी पे एक आध वीडियो बनाएंगे ठीक है, ऐसे टॉक्स करेंगे। अगर भाई लाइव में बात करना है तो कमेंट करके बताओ, लाइव करेंगे, लाइव में अपन बात करेंगे। सब इंस्टा पे लाइव करते हैं, हम यूट्यूब पे लाइव करके बात करेंगे, एकदम यूनिक रहेगा अपना, क्या बोलते हो है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय। कमेंट करना मत भूलना गाइस, कमेंट भर दो, कम से कम 20 कमेंट आना चाहिए गाइस इस वीडियो पे ठीक है, 20 कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।